हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी करिकुलम चैनल एंड वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ पॉलिटी रिवीजन सीरीज, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दैट मींस इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें किस कंट्री से, कहाँ से, कौन कौन सी चीज़ों को बोरो किया गया है, किस एक्ट को बोरो किया गया है, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। और सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो मेजर पार्ट है वो बोरोड है फ्रॉम द इंडियन एक्ट 1935 और कुछ अदर कंट्रीज से वर्ल्ड वाइड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनाइटेड स्टेट से कि यूएसए से हमने क्या क्या चीज़ें बोरो की हैं। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट है प्रीएम्बल बोरो किया गया है। नेक्स्ट पार्ट इज़ जुडिशियल रिव्यू, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये 5 पॉइंट्स आप देख सकते हैं, इनको अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन का आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, कैबिनेट सिस्टम, सिटीजनशिप यानी सिंगल सिटीजनशिप है, और बाईकैमरल लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड पेरोगेटरी राइट्स। इनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, लेकिन आपको अभी सिर्फ पॉइंट देख लेना है कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं। फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं कैनेडा से हमने क्या बोरो किया है। पहला पॉइंट है फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रेजिडरी पावर्स टू बी वेस्टेड इन द सेंटर, फ्रॉम आयरलैंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स यानी कि जो हमारे DPSP हैं, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, नॉमिनेशन ऑफ सम मेंबर्स इन राज्यसभा। मूविंग टू द नेक्स्ट, फ्रॉम साउथ अफ्रीका प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एंड द इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। जापान से प्रोसीजर ऑफ इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं रशिया की। तो रशिया से हमने बोरो किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन प्रीएम्बल, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इसको प्रीएम्बल में एड ऑन किया गया था, ये डिस्कस करेंगे हम। फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल एंड फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये हमारी बात हो गई कि हमने किस कंट्री से कौन सी चीज़ को बोरो किया है। अब हम एग्ज़ाम्स के पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, इट इज़ द सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम दैट इज़, यानी कि इंडियन के पॉलिटिकल सिस्टम में सबसे ज़्यादा सुप्रीम चीज़ क्या है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप लोगों ने मेरी कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया है कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द सुप्रीम बॉडी ऑफ द कंट्री ऑफ इंडिया, इंडिया का सुप्रीम या फिर आप फंडामेंटल कह सकते हैं। द प्रोविजन रिलेटेड टू द एमरजेंसी वॉज बोरोड फ्रॉम, जो एमरजेंसी का प्रोविजन है उसको कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। अ प्रोविजन दैट हैज़ मेड फॉर द गवर्नर टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये लिया गया है कैनेडा से। एंड द वर्ल्ड फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज़, वर्ल्ड का सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री ने लिखा था, तो वो है यूएसए। यूएसए ने सबसे पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और एक क्वेश्चन है प्रीएम्बल का कि कौन सी कंट्री है जिसने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल को रखा था, तो रखने वाली कंट्री है यूएसए। और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ ने फॉलो किया है यूएसए को कि उसको प्रीएम्बल एड ऑन किया है यूएसए की तरह। तो यहाँ पे हमने सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर ली। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीएम्बल के बारे में, इसमें डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। और इस सीरीज़ को आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।